हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू व्यूवर्स। आज मैं आपको 30 बाय 42 फीट में बना हुआ 4 बेडरूम, मतलब करीब 6 बेडरूम है, जैसे कि यहाँ पर लिया गया लाइक गेस्ट हाउस के जैसा बनाया ऐसा लगता है। वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा एंड वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हेल्प मी टू रीच 1 लाख सब्सक्राइबर्स ऑन awesomehouseplans.com एंड 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन लाइफ इज ऑसम सिविल इंजीनियरिंग प्लान्स। बहुत ही सिंपल और खूबसूरत घर का ये नक्शा है एंड इसमें जो कंसिस्ट करता है, देखिएगा दोस्तों, टोटल प्लान्स, कॉलम साइज, कॉलम पोजिशन, सब कुछ डिपेंडेंट है। तो वीडियो में आप बने रहेगा। एक वेबसाइट नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, वहाँ पे एक वेबसाइट है awesomehouseplans.com, वहाँ पर भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत इमेजेस, घर का, घर पहले कैसा था, बाद में कैसा बना हुआ है, ऐसे बहुत सारे इमेजेस हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं, फुल व्यू मैं दिखाऊंगा आपको ताकि आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको भी कन्वीनियंट हो जाएगा। तो देखिएगा व्यूअर्स, ये है घर का नक्शा 42 बाय 30 फीट, 42 बाय 42 टोटल है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन के हिसाब से रहेगा। 42 ऐसा वेट में है एंड 30 फीट ऐसा कंस्ट्रक्शन दिया गया है लेंथ में, ओके, प्लस एक्सटेंड किए गए तो और भी लिया गया है। सामने रोड है और बहुत ही खूबसूरत एंड ब्यूटीफुल वे में बनाया गया एंड बात करते हैं इस घर के नक्शे के बारे में, जैसा ये कंसिस्ट करता है। रोड, रोड के बाद यहाँ पर सामना, सामने वरंडा दिया गया और यहाँ पे भी रोड है, कॉर्नर प्लॉट है। तो इसमें देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 बेडरूम है और एक गेस्ट रूम यानी कि हॉल के जैसा बनेगा। तो 6 रूम और हर एक साइज़ का रूम है, 10 बाय 12 फुट और 12 बाय 10 फुट का। सो विंडो शेल्व्स वगैरह दी गई है कंटिन्यूएशन। और कॉलम का साइज़ यहाँ पर 9 बाय 9 इंच का कॉलम लिया गया, आप चाहे तो ज़्यादा साइज़ का भी ले सकते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे गेट, फिर उसके बाद गेट से आप एंटर होते हैं। इधर वरंडा 11 बाय 18 फुट का एक वरंडा लिया गया, सामने छत और स्लैब जैसा लिया है एंड यहाँ पे एक गेस्ट रूम दिया गया है, 11 बाय 14 फुट का एक गेस्ट रूम। फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पर स्टेयरकेस है और किचन, किचन का साइज़ 10 बाय 7 फुट 6 इंच में लिया गया, किचन विथ विंडो के साथ। यहाँ पर भी सेम स्टेयरकेस लिया गया अप जाने के लिए, फिर डोर के साथ यहाँ पे एक लोबी 8 फुट बाय 19 फुट 10 इंच में एक लोबी। फिर यहाँ पे एक बेडरूम दिया है 10 बाय 12 फुट में एक बेडरूम, यहाँ पे एक बेडरूम 10 बाय 12 फुट में और एक बेडरूम दिया गया। तो थोड़ा सा आगे जाने के बाद इधर देखिएगा पैसेज एरिया दिया गया, बेडरूम 12 बाय 10 फुट में एक बेडरूम विथ विंडो के साथ। फिर यहाँ पे एक बेडरूम है विथ विंडो के साथ 12 बाय 10 फुट का। ओके दोस्तों, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे एक बेडरूम, इधर एक बेडरूम 12 बाय 10 फिट में और यहाँ पे भी 12 बाय 10 फिट में एक बेडरूम दिया गया। तो हर एक बेडरूम के अंदर सिर्फ सिंगल विंडो लिया है। तो सिंगल विंडो लेने का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। नुकसान तो कुछ नहीं, मतलब थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो सकता है मे भी आपको रहने में एंड इसका टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है लगभग आपको 1500 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मान के चलिएगा, जो भी जितना भी कंस्ट्रक्शन एरिया है 1500 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो एक घर बांधना है तो आपको लगभग चाहिए पैसे एंड थोड़ा सा खर्चा भी ज़्यादा आ जाएगा, डिपेंड करता है आप कैसा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, कौन सा क्वालिटी इस्तेमाल करने वाले हैं, उसके ऊपर टोटल डिपेंड करता है। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देके वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए।
थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।